तो आपने भी कभी ना कभी इस टाइप के ज्वाइन बटन को यूट्यूब पर तो देखा ही होगा, जो कि सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साइड पर होता है। और आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में एक बार तो सोचा ही होगा कि भाई ये होता क्या है, इसके फायदे क्या है। तो चलो गाइस, आज मैं आपको बता देता हूँ ज्वाइन बटन को यूज करके आज इंडिया पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो एक गेमिंग चैनल हो, चाहे वो एक ब्लॉगिंग चैनल हो, चाहे वो एक टेक्नोलॉजी चैनल हो, या फिर एक कॉमेडी चैनल भी क्यों ना हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये ज्वाइन बटन का जो फीचर है सिर्फ और सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को मिलता है, नहीं भाई, बड़े क्रिएटर्स के साथ साथ एक छोटे क्रिएटर को भी मिल सकता है, इवन आपको भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई ये आपको कैसे मिलेगा, कब और कैसे मिलता है, या फिर आप कह सकते हो इसकी एलिजिबिलिटी या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बस यार, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं सीधा कॉन्टेंट की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े चैनल या फिर एक छोटे चैनल को ज्वाइन बटन का फीचर कैसे मिल सकता है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट या फिर इसकी एलिजिबिलिटी है जो आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल होना चाहिए, तब जाके ही आपको ज्वाइन बटन का फीचर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि भाई आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो नहीं मिलेगा। और अगर आपके चैनल पर नहीं हो पा रहे तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, इस वाली वीडियो को देखो, लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है आपकी एज कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपके चैनल पर ज्वाइन बटन का फीचर नहीं मिलेगा। चौथी चीज़, आपके चैनल पर कम्युनिटी टैब इनेबल होना चाहिए। पहले कम्युनिटी टैब 1000 सब्सक्राइबर्स पे मिलता था, लेकिन अब 500 सब्सक्राइबर्स पे ही मिल जा रहा है। लेकिन अगर अब तक आपको नहीं मिला है तो इस वाली वीडियो को देखना, इस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पर डाल दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो पांचवा पॉइंट ये है कि भाई ज्वाइन बटन का फीचर आपकी कंट्री पर अवेलेबल होना चाहिए, जैसे इंडिया कंट्री पर अवेलेबल है। अगर आपकी कंट्री पर अवेलेबल नहीं है तो आपको ज्वाइन बटन का फीचर नहीं मिलेगा। तो भाई सिक्स पॉइंट ये है कि भाई अगर आप अपने चैनल पर कंटेंट बनाते हो जो कि मेड फॉर किड्स होता है, या फिर अगर आप यूट्यूब वीडियोज को अपलोड करते हो और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेड फॉर किड्स का, अगर आप उसको इनेबल करके अपनी वीडियोज को अपलोड करते हो तो भाई रहने दो, भूल जाओ, आपको ज्वाइन बटन का फीचर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उन को चेंज कर दोगे, सेटिंग्स को चेंज कर दोगे, तो आपको मिल सकता है, अगर आप उस चीज के लिए अप्लाई करते हो तो। तो भाई सातवां पॉइंट ये कि भाई आपके चैनल पर किसी भी टाइप का क्लेम नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक वीडियो का क्लेम हो, चाहे वो एक म्यूजिक का क्लेम हो, या फिर किसी भी चीज़ का क्लेम हो। अगर आपके चैनल पर किसी भी चीज़ का क्लेम है तो आपको ज्वाइन बटन का फीचर नहीं मिलेगा। और आठवां पॉइंट ये कि भाई अगर आपका यूट्यूब चैनल एडसेंस के अलावा किसी दूसरे MCN नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो कि होता है मल्टीपल चैनल नेटवर्क, जो कि एडसेंस के अलावा भी होता है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, अगर आपका चैनल ऐसे MCN नेटवर्क से कनेक्टेड है और अगर वो नेटवर्क यूट्यूब की टर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो आपको आपके चैनल पर ज्वाइन बटन का फीचर नहीं मिलेगा। अगर आपको MCN के बारे में नहीं पता तो क्यों टेंशन ले रहे हो, यूट्यूब पर सर्च करो MCN, इसके ऊपर आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलेगी, उन वीडियोस को देखो जहां से आपको कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा कि भाई MCN एक्चुअल में होता क्या है। सो गाइस, जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपका चैनल इन सभी 8 पॉइंट्स को फॉलो करता है या फिर आपको ये सभी चीज मिल चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, तब जाके ही आपको आपके चैनल पर ज्वाइन बटन का फीचर मिलेगा, वरना नहीं। अब एक और बात, मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई ज्वाइन बटन मिलता कैसे, लेकिन अब सवाल यहां पर ये आता है कि इसको इनेबल कैसे करते हैं एक YouTube चैनल पर। तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, आने वाले एक दो दिन के अंदर मेरे चैनल पर इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, उस वीडियो को मिस ना कर सको, उसके लिए भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर तब तक के लिए बाय।